नमस्कार। आज एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं। शीरोज विद विमेन हु शैल इंस्पायर ऑल ऑफ अस, स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। लेट्स सेलिब्रेट वुमेन्स डे एंड वुमनहुड इन अ डिफरेंट वे दिस ईयर। और शीरोज पे जो मेरी पहली गेस्ट है, उनकी कहानी और उनके बारे में मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अ सिंगल मदर, एन एंटरप्रेन्योर एंड अ वुमन Who fought against all odds. मैं जानती हूँ कि उनकी कहानी आज हम सबको इमोशनल तो करेगी, लेकिन साथ ही इंस्पायर भी करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी। So let's welcome our first guest on Shiroz, कविता बलानी। कविता जी नमस्ते एंड थैंक यू सो मच Shiroz पर आने के लिए। आप स्पेशल हैं क्योंकि आप हमारी पहली गेस्ट हैं Shiroz। थैंक यू सो मच आपका इनवाइट करने के लिए। आपकी कहानी मैं तो जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज हम यहाँ जिस लिए हैं, आप अपनी कहानी जो औरतें हमें देख रही हैं या जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें अपनी ज़ुबानी बताएं। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। मुझे पता है कि आप पहले कुकिंग क्लासेस लेती हैं, तो लेट्स गो बैक इन टाइम एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर कि कैसे शुरू हुआ सब कुछ। बस मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया एंड फिर मैंने अभी घर बैठे क्या करना है, कुकिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत अच्छा चलता था। वो टाइम पे ही मैं 30+ मेरी अर्निंग थी, 30,000+। व्हिच इज बैक व्हेन 1997। मैंने बस कॉलेज पास आउट किया एंड मैंने कुकिंग क्लासेस कंप्लीट, ओके, ईच एंड एवरीथिंग एंड स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट इवनिंग मैं बिजी रहने लगी। जैसे आपके जो हस्बैंड थे, जब उन्होंने आपको देखा और कैसे उन्होंने आपसे शादी के लिए पूछ लिया? रिलेशन में ही थे हमारे, तो शादी में हमारा देखना देखा होगा मेरे को, तो सामने से ही प्रपोजल आया। तो इजीली मैंने भी हाँ नहीं कि, हम सोच ही रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड के डैडी मम्मी ने बात की कि मेरा हस्बैंड इतना प्यार करता है आपकी बेटी के साथ, तो शादी करा देते हैं। तो फिर मेरे अंकल ने बोला ठीक है, अभी लड़का सामने से डिमांड कर रहा है और इतना पीछे भी पड़ा है तो शादी करा देते हैं। तो ऐसे मेरी मैरिज 2000 में हो गई, इन द ईयर 2000। और फिर आपकी बेटी कितने टाइम बाद हुई शादी? 2002 में हुई मेरी डॉटर। तो कितने साल बाद शादी के? 2 साल बाद। या अब तक हाँ। और उस दौरान आपके जो हस्बैंड थे वो हांगकांग चले गए थे? वो हमारे साथ ही थे जब मेरी गुड़िया बॉर्न हुई थी, एक साल मेरे साथ रहे और सब बहुत अच्छे से रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो थोड़ा फैमिली डिस्टरबेंस था, मज़ा नहीं आ रहा था उनको, तो वो फॉरेन चले गए इन 2004। मेरी गुड़िया 1 ईयर की हो चुकी थी। और कहानी में ट्विस्ट उसके बाद है। क्या हुआ उसके बाद, ऐसा सडनली क्या बदलाव आया? तो बस मेरे हस्बैंड मेरे को, मेरी डॉटर को मेरी मम्मी के पास छोड़ के गए कि ये मेरी अमानत है, आप इनको संभाल के रखना और बहुत जल्दी मैं आऊँगा और मैं अपनी अमानत आपसे लेके जाऊँगा। तो इतना इमोशनल एंड, तो फिर मैं नासिक में ही रहने लगी मम्मी पापा के साथ और मेरे हस्बैंड बाहर गए, अच्छी इनकम थी, सब थी, अच्छे से बातचीत भी हो रही थी। इस बीच हमने हमारा न्यू घर भी ले लिया, तो मम्मी डैडी से मतलब बाजू में ही सब अच्छे से चल रहा था। ऑल ऑफ सडन वो चेंज हो गया इन 2000, दूसरी लड़की के साथ अफेयर ऐसे। तो फिर नए घर में भी शिफ्ट हो गए, तो गृह प्रवेश होता है, हाउस वार्मिंग, वो भी हुई 2007 में। तो वो दोबारा आए और जब तक मेरी बेटी 3 इयर्स की हो चुकी थी, तो मैंने सोचा अभी सेकंड बेबी प्लान कर लेना चाहिए, मुझे भी लगता था फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों का एक्चुअल में वेट भी कर रही थी और ऑल ऑफ सडन जैसे वो इवनिंग में आए और नाइट में ही मेरे को डिवोर्स के लिए बोलते हैं। सडनली ऑल ऑफ सडन मैं कुछ अलग ही प्लानिंग में थी, मैं कुछ अलग ही सोच रही थी, ड्रीम कर रही थी, जो भी है। तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है मेरे साथ रात को ही। तो ये सब फैमिली में सब इश्यूज हुए, सब बातचीत हुई, तो सब ने यही डिसाइड किया माफ़ कर देते हैं, जाने देते हैं बाहर, बिकॉज सैलरी अच्छी है, सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। कोई क्वेश्चन नहीं किया? ऑफ कोर्स नहीं कहा आपने कि ऐसे कैसे डिवोर्स हुआ? यस यस बताया उनके अफेयर के बारे में? हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। हाँ, और मुझे पता भी चला बाद में, हमने सब फाइंड आउट किया ना।
फिर उसके बाद तो बस वे यही बोल के गए थे कि जो हो गया मैं बाहर जाता हूँ, पर मंथ मैं उसको पैसे वैसे भी भेजूंगा मेरे को मेरी डॉटर को, जैसे उसको पैसों की कमी भी नहीं जाएगी एंड विद इन फ्यू मंथ्स मैं दोनों को बुला लूँगा, विद इन फ्यू मंथ्स। तो हमने भी एग्री किया कि ठीक है, और सब जो साइन वाइन लेनी थी स्टैम्प पेपर पे सब करवाया था हमने कि ये बदल ना जाए दोबारा। और ये कंडीशन में फिर मैंने बोला चलो ठीक है जो बड़े बोलते हैं, तो मैंने भी जाने दिया। तो मुझे नहीं पता था ना ऐसा जो वहाँ जाके तो कम्प्लीटली चेंज हो गया फ्रॉम 2007, उसने तो 1 रुपी भी नहीं भेजा। तब मेरी बेटी हार्डली 3 ईयर्स की रही होगी, नर्स जूनियर केजी में थी। और जहाँ तक मुझे पता है शादी के बाद थोड़ा सा कंजर्वेटिव थिंकिंग थी, तो आपका ये कुकिंग क्लासेस वगैरह से बंद करवा दिया गया। हाँ हाँ, कि नहीं स्टार्ट नहीं करना। मैं बहुत बोल रही थी शादी के बाद स्टार्ट करते हैं, मेरे को आइडल बैठने की हैबिट भी नहीं है, और इनिशियली मेरे को थोड़ा सीरियल्स में भी काम करने के ऑफर भी थे, तो वो भी बोला नहीं। तो आज मैं रिग्रेट करती हूँ, मतलब जैसे हस्बैंड बोलता है वैसे मैं करती गई, तो आज मैं कहाँ हूँ। तो वो है कि नहीं, थोड़ा अपनी भी चलानी चाहिए, थोड़ा अपने लिए भी एक स्पेस रखना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर उस टाइम पे मैं कुछ डिफरेंट जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने आई मैं कर लेती, तो आज मे भी सीन कुछ डिफरेंट रहता। और फिर आपकी स्ट्रगल जो उसके बाद शुरू हुई वो बहुत लंबी स्ट्रगल है मैं जानती हूँ, लेकिन कैसे, मतलब आपने कैसे अपनी बेटी के साथ और मैंने कभी ये नहीं सोचा था ये सीधा मैटर कोर्ट में भी जाएगा। तो कोर्ट मैटर भी मेरा 15 ईयर्स चला है, अभी दिस लास्ट ईयर मई में मेरा डिवोर्स हुआ है। इतने साल चला, मैं कोर्ट मैटर्स टाइम पे अटेंड भी किया, कोर्ट मैटर्स के खर्चे भी अलग से उठाए हैं, मेंटल स्ट्रेस, बस जो घर में मैं रह रही थी ना, जो फ्लैट था मेरा खाली कर, वो घर में से निकलो। अब मेरा घर, मैं अपना घर क्यों छोड़ूंगी, मेरी इतनी छोटी बेटी भी है। तो मेरा लाइफ में स्ट्रगल ये था मैम, घर था मेरे पास रहने के लिए, बस पैसे अर्निंग सोर्स नहीं था। तो इस बीच मेरे दिमाग में बहुत कुछ आया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बहुत मेंटल ट्रॉमा जो भी है, रोना धोना सब बहुत चला। एक दो बार मैंने ना सुसाइड कमिट करने की भी कोशिश की, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी मॉम ने ही मेरे को बचा भी लिया, संभाल लिया, जिससे मैंने इतना प्यार किया। उसने ऑल ऑफ सडन मेरे को छोड़ दिया, मेरे को भी मेरी बेटी को भी पलट के नहीं देखा। वो एक फीलिंग, ये तो ठीक है मॉम थी मेरे साथ, पकड़ लिया तो मैं बच गई। फिर वॉमिटिंग्स मेरी मम्मी ने ही मेरे को पानी वानी पिलाया, वॉमिटिंग्स कराई, और मेरे से कसम ली आज किया है दोबारा नहीं करेगी, ये मेरे को तू प्रॉमिस कर। तो मैंने दोबारा वो स्टेप नहीं लिया, प्रॉपर मेरे को समझाया बस अभी तू घर से बाहर निकलेगी एंड तेरी बेटी मैं देखूंगी, तू निकल घर से बाहर, तू घर में रहेगी नहीं। तो बस यही सोच के मैं घर से बाहर निकली, और मैंने स्कूल में एक जॉब ले ली, मैंने फर्स्ट जॉब मेरी वो ही थी, और मेरी प्रिंसिपल इतनी अच्छी थी, तो मैंने उनको वही बोला सी आई एम अ फर्स्ट क्लास बीकॉम ग्रेजुएट, मैंने कभी काम नहीं किया, मेरा फर्स्ट जॉब है, पर मैम मैं इतना आपको अश्योर कर सकती हूँ आप मेरे को सिखाओगे मैं 100% आपको दूंगी। तो मैम ने भी बोला, और उन्होंने वाकई में मेरे को सब अच्छे से समझाया, ट्रेनिंग दी, और मैं सीखती चली गई। वो टाइम पे मेरी पेट थी 8000 पर मंथ, तो 8000 में तो मेरा घर आराम से ही चल रहा था इन द ईयर 2007-8 की बात है। पर फिर एक तबीयत खराब हुई जब मेरी डॉटर जी, हाँ, और इन सब का आपकी बेटी पर काफ़ी असर भी पड़ा था। हाँ, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, वो स्कूल ही नहीं जाती थी, तो काउंसलर के पास भी हमने 2-3 सिटिंग कराई। तो बस एक महीना उसको लगा ठीक होते होते, फिर वो प्रॉपर जाने लगी। मैं तो अपनी बेटी का कभी कंपास बॉक्स ये सब कुछ भी नहीं बनाया है, मैं जॉब से आती थी वो खुद ही बताती थी पूरे दिन स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जैसे पेरेंट्स कैसे दूसरे के पेरेंट्स के पास जाते, पहले तो मोबाइल नहीं था कि बुक्स दो कंप्लीट करना है ये करना है, मेरी डॉटर के पास पेरेंट्स आते थे बच्चा तेरी बुक दे हमको कंप्लीट करना है, मतलब शी वॉज सो पजेसिव एंड परफेक्ट इन राइटिंग नोट्स एंड एवरीथिंग। मैंने अभी भी अपने बच्चे का बुक संभाल के रखा है। एज से पहले वो बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने गई, अभी भी वैसी है वो। और उस दौरान उसकी जब तबीयत खराब हुई थी तो आँखों में भी कुछ प्रॉब्लम, ये आँखों की नसें फट गई थी, तो पूरी दोनों आँखों में ना ब्लीडिंग हो गई थी, कंप्लीट डार्क रेड। तो डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा, रेडनेस जाने में 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो थोड़े दिन तो ऑल ऑफ सडन वॉमिटिंग की उसने, वॉमिट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया आँखों में, तो उसकी जो नसें रहती हैं ना
वो फट गई, इसके लिए आँखों में ब्लीडिंग आ गया। तो वो हमारे लिए भी डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो गया, डॉक्टर भी शॉक हो गया कि ऐसे कभी हुआ नहीं, ये कुछ अलग सा केस हम भी हैंडल कर रहे हैं। वो अकेली थी घर पे जब तबीयत खराब? नहीं, मेरी मॉम थी साथ। हाँ, मेरी मॉम इमिजिएटली डॉक्टर के पास लेके गई, मेरे को कॉल आया तो मैं भी गई। तो ये ट्रॉमा में से भी निकलने में हमको टाइम लग गया कि ऑल ऑफ सर मेरे को थोड़ा वरिड थे आँखें ना आफ्टर ऑल कि कैसा होगा, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो ठीक हो गई और बस उसको स्पेक्स लग गए। तो तब से जो पहन रही है अब से भी वो स्पेक्स पे ही है। उसके बाद आपने वो जॉब छोड़ा? वही बोला, मैं इसको जॉब छोड़ना था लेकिन मिस ने मेरे को छोड़ा नहीं, मेरे को ना टीचिंग लाइन में डाल दिया कि थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, आई डोंट वॉन्ट टू लूज सच अ गुड स्टाफ। तो ये भी उनकी मेहरबानी थी, फिर मैं टीचिंग में चली गई। मैंने बहुत सारे जॉब चेंज किए, जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेज आए ना वैसे वैसे मैंने अपना जॉब स्विच ऑफ किया और मैं सब सीखती जा रही हूँ। मेरा टारगेट यही है, मेरे को मेहनत करना है, मेरे को पैसे कमाने, बिकॉज मेरी पीछे बेटी बैठी है। तो ऐसे मेरा उस दौरान जो आपकी लाइफ में विमेन थी स्टार्टिंग फ्रॉम योर मदर जिन्होंने बहुत सपोर्टिव किया, बहुत सपोर्टिव, बाहर जाओ और काम करो, सेम वैसे ही आपकी लाइफ में और ऐसे स्टेजेस पे विमेन सपोर्ट मिलता चला गया? आई थिंक एक के बाद एक जो हाथ जुड़ते चले गए और आपको आगे बढ़ाते चले गए वो सभी औरतों के लिए। यस यस, उस लिस्ट में कौन कौन था? सबसे पहले मेरी मॉम बहुत सपोर्टिव, फिर बाय चांस मेरी नेबर आ गई, नेबर वाज वेरी वेरी सपोर्टिव, मतलब मैं बड़ी सिस्टर या मॉम बोलूँ तो वो भी कम है, अनीता, शी वॉज वेरी सपोर्टिव, शी वॉज माई डोर, शी इज़ माई डोर नेबर। और फिर एक मेरी फ्रेंड है बचपन की, हमारे बंगलो साथ साथ में थे लेकिन वो दूध वूध बेचना एंड एवरीथिंग, तो मेरे को सब बोलते थे कि तो इसके साथ कैसे जा रही है घर घर दूध बेचना, मतलब शी इज़ माई फ्रेंड। आज वो लेडी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, शी इज़ स्टेइंग इन बंगलो एंड लैविश लग्जरियस लाइफ एंड शी इज़ हेल्पिंग मी। टाइम चेंजेस, शी इज़ हेल्पिंग मी। और पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अपने आप मेरे को पैसे भेज देती है, नहीं नहीं कविता ये रखते को काम आएंगे। माई कज़न, माई ब्रदर, माई भाभी, ईच एंड एवरी बडी, यस, एंड माई मासी, वो मेरी मासी मेरे को बोलती है कि तेरी मम्मी मेरे सपने में आई, बोलती मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है, मेरी बेटी बहुत परेशान है, उसको तू हेल्प कर दे। ऐसे ऐसे सीन, जब भी मेरे को पैसों की प्रॉब्लम जाती है ना कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है। मेरी बेटी 3 साल बॉम्बे के कॉलेज में पढ़ी अब तक, और मेरी कज़न शी इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, पहले ही मेरी गुड़िया को बोल के रखा है हनी जब भी कुछ भी पैसों की ज़रूरत पड़े जस्ट मैसेज, इमिजिएटली 1 मिनट में पैसे आ जाते हैं, हम कॉलेज की फीस पे कर लेते हैं, और अभी भी सपोर्ट है बिकॉज मैं अभी रेंटेड हाउस पे हूँ। तो ये एक आर्मी सी बनती चली गई, आपके साथ जुड़ते चले गए लोग, सपोर्ट करते रहे, और वो एक के बाद एक थैंक यू की जिन्होंने आपको, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और सब मेरी लाइफ में सब लेडीज ही आए हैं। और कौन कहता है कि औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, अगर चाहे तो औरत औरत का सबसे बड़ा सपोर्ट बन सकती है, एंड आई थिंक ये हमें सेलिब्रेट करना चाहिए इन ट्रू सेंस ऑन दिस वुमेन्स डे, दैट अ वुमन कैन ट्रूली बी द बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ अनदर। यस, मेरी प्रिंसिपल बहुत सपोर्टिव, मेरे कलीग्स, मेरी सुपरवाइजर सब ने सिखाया किया और मैं आगे बढ़ती गई। फिर आपकी सिस्टर ने भी जो मेरी सिस्टर मेरे से 8-9 years छोटी है, बट शी इज हेल्पिंग मी फाइनेंशियली, सपोर्ट है मेंटल बहुत और इमोशनल। क्योंकि आप जरूर बताएं वो जो एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज जो उन्होंने दिया था जब आपकी बेटी कॉलेज में फर्स्ट आई थी, पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई थी, तो ये गुड न्यूज़ मिली। तो मेरे जीजू ने मेरे को कॉल किया, हनी के लिए हमने गिफ्ट भेजी है ये शॉप पे, आप वहाँ से पिक करा लो, बिकॉज वो तो US में है, हमने यहाँ पे भिजवाई है, आप पिक करा दो। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने अपनी डॉटर को अपनी फ्रेंड के साथ भेजा कि तेरे लिए गिफ्ट आई है, ये शॉप में से तू पिक करा ले। तो मेरी बेटी वो पूरा एक बैग लेके आई, मम्मी ये गिफ्ट है। तो मैंने खोल के देखा उसमें पैसे थे, दैट इज 60,000 रुपीज। मतलब मैं इतना शॉक हो गई, और वो पैसे मेरे को मेरी बेटी के कॉलेज की एडमिशन के लिए काम आए। तो फुल अमाउंट मेरा, मतलब वही भगवान का है कि मैं सोच ही रही थी कैसे होगा क्या होगा,
वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो मतलब ईश्वर कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते खोल देता है। तो ईश्वर ने एक रास्ता बंद किया जो बहुत कठिन था आपके लिए, लेकिन ऐसे रास्ते खुले जहाँ लोगों का सपोर्ट मिला, प्यार मिला, उनकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग। yes. उन्होंने खुद आपको सपोर्ट किया कि आपने कभी किसी से बिल्कुल भी नहीं, कोई मदद नहीं मांगी। नहीं, और आपका यही था कि मैं किसी से मदद नहीं लेना चाहती, मैं अपना काम करती रही। कहाँ कहाँ जरूरत थी, मैंने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं लाइफ में। और जैसे जैसे मेरा हुआ, मैंने तो अपना गोल्ड भी बहुत बेचा है, तो वही चलता रहा। मेरा टाइम निकलता गया, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत था। डॉक्टर्स के पास भी वही जाती थी, मैडम पहले तो आप स्ट्रेस मत लो, आराम से। बीच में मेरे को नींद नहीं आती थी, तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट सब चल रहा था। मेंटली डिस्टर्ब थी, अब मैं सब धीरे धीरे टाइम से मैं ठीक हो गई। और फाइनली अब ऐसा हुआ है कि आपकी बेटी एक बहुत अच्छी जॉब yes, कर रही yes. है। और मेरा लाइफ में इंटेंशन ही ये था कि मेरे को मेरी बेटी को, बिकॉज मैंने तेरे को पैदा किया, यू आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को तेरे को अपने पैरों पे खड़ा करना है। बिकॉज मुझे अब किस पे भरोसा नहीं है, कब कौन कब तक साथ देगा, कौन कभी भी डिच कर देगा। तो अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने सोचा था, इतना स्ट्रगल किया था, अब मेरी बेटी अपने पैरों पे है। लेकिन आपकी स्ट्रगल अपनी जारी है। यस यस, अब भी आप अभी जो जॉब शिफ्ट करते चली गई, जिस वजह से आज भी आप ये चाह रही हैं कि एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम हो सके, वो मुझे नहीं है। बॉम्बे में भी वो, ये जॉब के लिए मैं जा रही हूँ तो एज फैक्टर आ रहा है, एक्सपीरियंस नहीं है, और वही है कि बस फाइनेंशियली मैं फ्री नहीं हूँ। तो आप क्या करना चाह रही हैं अब? बस मेरा वही है हॉबी, जैसे मैंने अभी 12th में थी मेरी डॉटर, तो मैंने वही जॉब तो सब छोड़ दिया था, कुछ था नहीं, तो मैंने घर से ही कुकिंग स्टार्ट कर ली थी, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो आप अब भी वही क्यों नहीं कर रही? यस यस, मेरा क्लासेस भी धीरे धीरे वापस शुरू कर सकती हैं, क्योंकि एक टाइम पर जब आप कुकिंग क्लास लेती थी तो इट वर्क सो वेल, बहुत। तो वो हो सकता है आज एक बार फिर से कुकिंग ही वो जरिया हो। होपफुली, मैंने भी वही सोचा है, कुकिंग का ही कुछ ना कुछ मैं स्टार्ट करूँ और मेरा वो सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। बिकॉज मेरे फैमिली मेम्बर्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सब ने मेरे को बहुत हेल्प की है। उनकी हेल्प की वजह से, मम्मी की ब्लेसिंग की वजह से शायद मैं अब यहाँ हूँ, नहीं तो बॉम्बे जैसे सिटी में रहना इट्स टू डिफिकल्ट। और साथ में एक बीच में एक स्टेज जब आपकी मदर की तबीयत खराब हुई। यस, तो मेरे को अहमदाबाद जाना पड़ा, मेरी मॉम को कैंसर हुआ था और फिर मेरी मॉम भी हमको छोड़ के चली, तो वो भी एक मेंटल ट्रॉमा था। और ऑल ऑफ सडन बस अंदर वही फीलिंग आ रही थी ना, मैं अकेली रह गई, अब मेरा मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो वो भी एक टेंशन था। धीरे धीरे उसमें से भी बाहर आ गई, बिकॉज मेरे को मेरी बेटी देखनी थी। तो ये माँ की स्ट्रेंथ थी कि चाहे कुछ हो जाए कि, और मेरे हस्बैंड ने कैसे ना कभी पैसे दिए ही नहीं, ना ही पूछा या क्या। मैंने उन्हें अभी जब बॉम्बे में एडमिशन हुआ, कोविड में 2 साल निकल गए, जब मुझे यहाँ आना था तो मैंने बोला था एक बार इन लॉज में भी और हस्बैंड को भी, मेरे को इतने साल से तो आपने कोई हेल्प नहीं की, अब अगर थोड़ी हेल्प मिल जाती है फाइनेंशियली, बिकॉज मुझे बॉम्बे जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने पता है मेरे को क्या बोला, तेरी औकात नहीं है तो अपनी बेटी को बॉम्बे में पढ़ा क्यों रही है, अपनी बेटी को। वो सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत। व्हाट इज दिस, अपनी बेटी को, मीन्स आपकी कोई नहीं है क्या? मैं ठीक है, टाइम सबको सब सिखा देगा। और देखो आज मैं कहाँ, मेरी बेटी बॉम्बे पास आउट भी हो गई फर्स्ट क्लास में, ये अभी जो उसको जॉब करनी थी, शी इज सेलिब्रिटी पीआर एंड शी इज वर्किंग। और आप प्राउडली कह सकती हैं कि ये मेरी बेटी है, सीरियसली। तो आप एक अगर पीस ऑफ एडवाइस देना चाहती हैं उन औरतों को जो डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही हैं या जिनकी बेटियां हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी ताकि वो आपकी कहानी से जो सीख सकें? मेरे को बस सबसे यही कहना है कि जो भी बेबी गर्ल है, जो भी चाइल्ड है, प्लीज़ उन अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट पढ़ाई कुछ नहीं है। पढ़ाओ और हर कोई बेटी अपने अपने पैरों पे खड़ी रहे, इंडिपेंडेंट रहे, किसी पे डिपेंड नहीं रहे। अपना इंडिपेंडेंट होना आज की डेट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पूरा जो मैंने फेस किया है, आज मैं वो सोचना, अगर मेरी मॉम एंड डैड ने मुझे नहीं पढ़ाया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो पढ़ाई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड अपने अपने पैरों पे हर किसी को खड़ा होना चाहिए।
एंड नेवर गिविंग अप इज द एटीट्यूड। हाँ, चैलेंजेस तो आएंगे ही, ये ही लाइफ है। हम सब अपने अपने हिस्से के चैलेंजेस देख रहे हैं। मैं आपसे रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ। मेरे भी पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से ही मैं जो कुछ भी कर पाती हूँ। मॉम एंड डैड ही सपोर्ट करते हैं, माँ बाप से बड़ा कोई सपोर्ट नहीं। सच में ईश्वर ने धरती पे अगर ईश्वर भेजा है तो वो है माँ बाप। तो हर औरत के लिए जो मुश्किल उठाती है, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। तो यही है कि मे गॉड ब्लेस एवरीबडीज पेरेंट्स एंड दे लिव हेल्दी हैप्पी इन अ लॉन्ग लाइफ। बट एट द सेम टाइम आई सल्यूट योर स्ट्रेंथ क्योंकि आपने इतना कुछ देखा इतने सालों तक एंड इन सब के साथ साथ गोइंग थ्रू द लीगल बैटल इज इन एनी केस एग्जॉस्टिंग। आई अंडरस्टैंड। मी एंड माई डॉटर माई फैमिली, मेरी गुड़िया इतनी छोटी, पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी वो सब देख देख के बड़ी हुई है, तो वो मुझे बुरा लगता था, लेकिन अभी वो एकदम मेंटली स्ट्रांग हो गई है। She can face anything because sab dekha hua hai uska. She's already been there, seen it all. Thank you so much. आप हमारे शो पे आए, आपने अपनी कहानी से शेयर की और I'm sure ऐसी बहुत सी औरतें होंगी जो इस वक्त difficult phase से गुजर रही होंगी। उन्हें लगता होगा कि there is no way out, there is always a way out. It's just that you don't have to give up. You just have to rise like a phoenix. क्योंकि मुश्किलें हैं तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी है तो मुश्किलें हैं। हम सबके लाइफ में अलग अलग रूप से मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक औरत में कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ ईश्वर देता है, स्पेशली जब उसको माँ बनाता है तो वो स्ट्रेंथ थोड़ी और बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। सो नेवर थिंक दैट देर इज़ नो वे आउट, नेवर थिंक ऑफ गिविंग अप। एंड जैसे कविता जी रोज, I believe that we all can rise and we all can say that she rose no matter what.